गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। मैं हूँ फिलहाल अपने रूम में। अभी बाहर देखो धूप निकला है, लग रहा होगा कि एकदम सनी डे है, बहुत गर्म होगा, लेकिन एक्चुअली मैं -10 डिग्री है अभी। यहाँ रिवर देखो, रिवर इस तरफ शायद दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे पूरा बर्फ़ जम गया है। रात को -15 था। दिखने में लग रहा है कि बहुत गर्मी वाला दिन है, सनी डे है, लेकिन है बहुत ज़्यादा ठंड है। खिड़की खोलने से तो हाथ जम जाएगा, एक कुछ सेकेंड में हाथ जम जाएगा। देखो बाहर अभी आज का प्लान है, आज रेड स्क्वायर जाएंगे। अभी फिलहाल रेड स्क्वायर के बाद वहाँ पे एक मॉल है, गुम गुम गम ऐसे ही कुछ नाम है, तो वहाँ पे जाके आज देखते हैं, फिर उसके बाद शाम को कहीं पे चलेंगे। तो अभी होटल में ही हूँ मैं अपना, आपको पता ही होगा, दिखने में समझ आ रहा होगा। अभी होटल से निकलते हैं तो फिर आगे दिखा रहे। रात को ना ये वाला खोल कर सोए थे, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और यहाँ का ब्लैंकेट भी जो है बहुत मोटा है। ये वाला चादर के चादर नहीं है, बहुत मोटा वाला ब्लैंकेट है। बाहर ठंडा है -15 डिग्री, अंदर बहुत गर्मी है, तो थोड़ा सा खिड़की खोल दिए थे, हवा आ रहा था, तो फिर कंफर्टेबली फिर सोए। तो अब चलो बाहर जाते हैं, फिर आगे दिखा रहे हैं। टैक्सी में बैठ चुके हैं। यहाँ बाहर देखो कितना धूप निकला है, कोई काम का धूप नहीं है, ना विटामिन डी देगा ना गर्मी लाएगा, कोई काम का धूप नहीं है ये। आज डबल डबल ग्लव्स पहना, ये वाला एक ग्लव्स पहना, इसके ऊपर ये मोटा वाला पहना है, क्योंकि एक से काम नहीं होता है, दो दो पहनना पड़ेगा, क्योंकि अभी जा रहे हैं रेड स्क्वायर, तो वहाँ पे पूरा खुला जगह है ना, पार्क के जैसा है समझो, तो वहाँ पे हवा बहुत ज़ोर का चलने वाला है। फील लाइक -17 डिग्री होगा, है तो -10 11 है, लेकिन जब हवा चलता है ना तो स्पीड ठंड जो और बढ़ जाता है। -17 डिग्री होने वाला है, और कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। सुबह का टाइम है ना, अभी 10:30 बज रहा है, तो ऑफिस आज बहुत भीड़ है रास्ते में, और सीधा ये है मॉस्को सिटी कल जहाँ पे गए थे। और ये टैक्सी ड्राइवर जो है, ये भाई है व्लाडिमिर सिटी से, मॉस्को से थोड़ा दूर है, ततारिस्तान एरिया से पास में है, वो बता रहे थे। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, यहाँ पे आज बहुत चेक कर रहे हैं। मीन्स यूजुअली इतना होता नहीं है, खाली भी है बहुत। एक तो हो सकता है कि सुबह का वक्त है इसलिए खाली है, उतना भी सुबह नहीं है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी आने से रोक रहे हैं ये लोग। कुछ कुछ गाड़ी को यहाँ पे रोक दिया, वहाँ पे खड़े होके थे सिक्योरिटी मिलिट्री, क्योंकि आप तो समझ रहे हो यूक्रेन में जैसा सिचुएशन है, इसी की वजह से। कुछ ऐसा दिख रहा है, ये है, ये चर्च है एक्चुअली, कहाँ तक मुझे पता है। -15 डिग्री हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, कल जितना लग रहा था, कल ज़्यादा ठंडा लग रहा था, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो आज चलो फिर भी ठीक है, -15 डिग्री है, एडजस्ट हो गए अभी फ़िलहाल। ये वाला है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है, ये पूरा मॉस्को आपको दिखाएगा, इसमें बैठ जाओ और फिर पूरा शहर ये घूमता रहता है, आप भी देख सकते हो पूरा शहर इसमें बैठ के। पहले उसका छत खुला हुआ होता था, लेकिन यहाँ पे ठंड इतना है, इसकी वजह से छत को उन्होंने कवर कर दिया है। वेट टाइम का बनाया हुआ रास्ता है, देखो एंट्री कहाँ से है, ये तो शायद बंद करके रखा है, लगता है गलत रास्ता आ गया, पीछे वापस जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैन वैन लगा के रखा है, लेकिन लोग घर से नहीं निकल रहे ज़्यादा। खूबसूरत है बहुत, लगता है पीछे से जाना पड़ेगा, पीछे जाते हैं, पीछे जाके देखते हैं, वहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो ये लोग बैरिकेड लगा के रखे हैं यहाँ पर। टैक्सी से यहाँ पे आए थे ना, तो हम लोग ने उसको बोला था कि सीधा रेड स्क्वायर में उतारना है, लेकिन टैक्सी वाला पहले ही उतार दिया, बोला आगे जाने नहीं दे रहा है,
सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो ये है रेड स्क्वायर का, ये शायद चर्च है, आपको पता ही होगा। और ये वाला है लेनिन का म्यूज़ियम, मॉसोलियम है ये, और वो वाला म्यूज़ियम है वो सीधा जो देख रहे हो वो म्यूज़ियम है। यहाँ पे रशियन टीम के पता नहीं कोई स्पोर्ट्स टीम है, नेशनल टीम है यहाँ का, वो लोग यहाँ पे आए फ़ोटो लेने के लिए। सुबह का टाइम है, इतना धूप निकला है, एक मिनट के लिए मैंने अभी निकाल दिया था इसको, पूरा नाक जमने लगा। वाइब्स नहीं आ रहा है वो यहाँ का, पूरा खाली हो रहा है। वहाँ पे जो है ना वो क्रिसमस के टाइम में बनाया था ये, जो सीधा में ये सब जो है पूरा राइड्स वाइड है, कार्निवल के जैसा स्टॉल वॉल लगा था खाने पीने का, क्रिसमस का टाइम बनाया था। और यहाँ पे स्केटिंग रिंग भी था, स्केटिंग रिंग सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग है वो वाला, लेकिन अभी सब बंद हो रहा है, मूड ख़राब हो गया। अभी कोई चहल पहल है नहीं यहाँ। National team. National team? Yes, Russian. Даша Линик, подсадит и раз. National team, which sport? Cheerleading. Huh? Cheerleading. Cheerleading? You know? No. But then it's something like gymnastics, you know? Oh, gymnastics. Yes. Okay. So, did they win any medal? Yes, yesterday was a Russian national championship. Okay, in Moscow? Yes, and we are two times champions. Champions, yes. Congratulations. Поздравляю вас. Меня зовут Шамс. Я из Индии. У меня мама. What about you? ये है टीम मेरे संग, नेशनल चैंपियन टीम है यहाँ का, कोई ओलंपिक्स का टीम है, पता नहीं कौन सा स्पोर्ट है, सही से समझ में नहीं आया। जिमनास्टिक, हाँ जिमनास्टिक का टीम है ये वाला। या लीव ल्यू रूस्की पाका। 7-8 साल के बच्चे हैं यहाँ पर, यहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे हर वक्त कहीं पे भी जाओगे आप देखोगे स्पोर्ट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे मीन्स आप करियर बना सकते हो स्पोर्ट्स में। आपको शायद मैंने पहले बताया होगा ये चीज़ कि यहाँ पे 16 साल तक का जो बच्चा होता है ना, बच्चे जो होते हैं यहाँ पर, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है हर महीना उनके मेंटेनेंस के लिए, आई थिंक 25,000 रूबल, तो उसमें ये लोग खर्च करते हैं। जब स्पोर्ट्स भी ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी इन लोगों को मंथली कुछ पैसा वैसा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग देखोगे रशियन टीम जो है हमेशा बहुत सारे मेडल जीतता है हर स्पोर्ट्स में। अभी तो फ़िलहाल न्यूज़ में जैसा आया था कि इन लोगों को बैन कर दिया गया है, पता नहीं आगे क्या होगा, बैन हट भी सकता है। ये है पता नहीं क्या, इसका नाम तो समझ में अभी तक नहीं आया, यहाँ पे घूम रहे लेकिन नाम ही नहीं पता अभी तक इसका है क्या। ये चर्च इतना पता है, अंदर में कुछ म्यूजियम की तरह भी बना हुआ है, यहाँ पे आए थे सोचा देख लेंगे अंदर चले जाएंगे, लेकिन 1,000 रुपये का है, मुझे नहीं लगता 1,000 यहाँ पे सिर्फ मैं देने वाला हूँ, सिर्फ थोड़ा सा देखने के लिए, 1,000 वर्थ इट नहीं है। बाहर से ऐसा दिखता है, वो तो दिखाई दिया था। नोवोसिबिर्स्क से साइबेरिया के तरफ में ये नोवोसिबिर्स्क नेशनल चैम्पियनशिप जीत के आए हैं, सब नोवोसिबिर्स्क से है। बाहर जब निकले तो उतना ठंड नहीं लग रहा था, मीन्स ठंड उतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन काफ़ी देर से बाहर है अभी तो हाथ पूरा जमने लगा है, थोड़ा देर के इसको निकाला तो नाक भी जम गया था। अंदर जाएंगे अभी और बाहर नहीं रह सकते, वापस नहीं चलते। ये है हमारा क्रेमलिन, प्यूटिन का घर ये वाला है कुछ, यहाँ पे सोल्जर्स खड़े होकर है, शोपीस के जैसा है, पता नहीं ये क्या चीज़ के लिए है, ये आग लग जल रहा है यहाँ पे। खाली हो रहा पूरा, पूरा खाली है आज। एक मिनट के लिए निकाला था ग्लव्स, हाथ पूरा ऐसा, नाक तो लग रहा है कि बर्फ जम गया पूरा नाक में, इतना ठंडा है यहाँ पर, दिखने में ऐसा पता नहीं चलेगा क्योंकि नॉर्मल ज़मीन है,
कोई बर्फ़ वर्फ नहीं है, लेकिन हवा चल रहा है। हवा जब चलता है ना, तो अगर मान लो 1 डिग्री भी है तो हवा की वजह से 9-10 डिग्री फील होगा। अभी तो फ़िलहाल है 10 डिग्री, लेकिन अभी फ़ील हो रहा है -17। मैं हूँ कोलकाता से, तो वहाँ पे है 33 डिग्री, यहाँ पे जब आया था तो -4, तो समझ लो 37 डिग्री का डिफरेंस है। ऐसा आदत नहीं है इतना। क्या लिखा है ये, डेनिन, अच्छा लेनिन ग्रैड ये लिखा है। ये लिखा है कीव, कीव में छपरा हुआ था इसके लिए है क्या, मिन्स्क। ये शायद कुछ दिन पहले देखे थे। मैं आया हूँ अभी यहाँ फ़िलहाल है ये गुम मॉल में, गुम या गम ऐसे ही कुछ बोलते हैं यहाँ पर। तो ये जो है ना, ये सबसे एलीट मॉल है यहाँ का। हमारे इंडिया में भी ऐसा मॉल नहीं होगा। यहाँ पे जो ब्रांड्स है वो पूरे सारे इंटरनेशनल ब्रांड है। सबसे महंगा मॉल है ये वाला। करने का तो वैसे यहाँ कुछ है नहीं, सिर्फ देखते हैं यहाँ पर क्या करें, घूमना है सिर्फ यहाँ पर। जितना भी ब्रांड है यहाँ पर सारे इंटरनेशनल ब्रांड है। मीन्जा मिलान का है। वैसे ये डिज़ाइन अगर आपको मिलान का मॉल पता होगा तो ये बिल्कुल मिलान के जैसा है ये वाला मॉल। इसका इंटीरियर देखो, ऐसा ही रूफ है वहाँ पे भी। डियोर का शॉप बंद होकर है आपको सैंक्शन की वजह से। जिमी चू खुला है, हाँ वो जिमी चू खुला है। सबसे पॉपुलर जगह में से एक है ये गुम मॉल। हो गई भाई, इतना महंगा मॉल है। एक टी शर्ट यहाँ पे अराउंड ऐसे 8000 का था, 8000 रुपये का। सिक्योरिटी बार बार बोलते हैं मास्क उठा लो, मास्क उठा लो। तो ये होने का फ़ायदा अच्छा है, जब बोलते हैं ऐसे उठा लो, आगे बढ़ी ऐसे खोल दिया। फार्फ ऑफ पता नहीं ये क्या चीज़ का दुकान है। बॉस्को कैफे, कैफे भी महंगा होगा बहुत। वैसे खाना हम लोग को पसंद नहीं आएगा यहाँ का खाना। यहाँ खाना में नमक तो एक कम रहता है और एक भी स्पाइस नहीं रहता है। कुछ भी स्पाइस नहीं होगा तो खाएंगे क्या? सिर्फ सैलेड दे देता है यहाँ पर। लोग सैलेड ज़्यादा खाते हैं, वेगन उतना नहीं है। गोश्त यहाँ पर खाते हैं, लेकिन यहाँ पर सैलेड में सिर्फ वेजिटेबल भरा हुआ रहता है और पता नहीं क्या डालते हैं। मॉल तो खूबसूरत है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन करने का कुछ नहीं है, बहुत बोरिंग है। ऐसे ही एक और मॉल है, ये है गुम, उसका नाम है सुम। सुम ही बोलती है, TSUMT तो साइलेंट है, गुम सुम। वो भी मॉल जो है ना, वो भी ऐसे ही है, सिर्फ हाई एंड ब्रांड्स रहता है वहाँ पे, इंटरनेशनल हाई एंड ब्रांड्स, कुछ सस्ता वाला नहीं है। कल जो मॉल में गया था वो आफी मॉल और एक क्या नाम था उसका, यूरोप्स की, वो बड़ा मॉल है, उसमें खाने पीने का भी है, बहुत कुछ करने का है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करो, सिर्फ महंगा वाला ब्रांड का है। वैसे ये साइड भी, ये साइड हम देखे नहीं थे। बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। अभी दोपहर का वक्त है ना, इसलिए खाली है, वरना शाम के टाइम यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। पानी पीने का
कैफ़े है, तो देखते हैं कितना दाम है यहाँ पे, दिखाते हैं आप लोग को। इटालियन रेस्टोरेंट है ये, इटालियन प्राइस देखो। लसानिया बोलोगी 150 ग्राम का है, 170 रुपये। स्मोक स्मैक सैलमन है ये, ग्रिल चिकन 250 रुपये। इंडियन करेंसी में अगर देखें तो ठीक है, 150 रुपये मतलब होगी, 250 रुपये होगी, अराउंड 150 रुपये के आसपास कुछ हो गया, इतना तो रहता ही है हमारे इंडिया में। ग्रीक सैलड नहीं खाना है, पूरा साथ नहीं खाना है। बस यहाँ का बैठ के आप खा सकते हो, व्यू ले सकते हो यहाँ से, और कुछ नहीं है करने को। क्रिसमस का टाइम है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा से सजाया था, यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छा से किया था, एक्टिविटीज़ भी हो रहा था, लेकिन अभी तो बहुत खाली रहता है ये सब जगह, वो यूक्रेन वाला सैंक्शन के वजह से लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे अभी, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। रूबल का वैल्यू तो ऐसे ही इतना गिरता जा रहा है हर दिन। दोपहर में आना नहीं चाहिए था, शाम को आना चाहिए था यहाँ पर। निकल जाएंगे अब यहाँ से, और कुछ करने का नहीं है यहाँ पे। आप भी जाते हैं अरबाद की तरफ, अभी जाना है वहाँ पे, देखेंगे घूमेंगे रास्ते में क्या है। बहुत खूबसूरत एरिया बोला जाता है अरबाद को, पार्टी पार्टी एरिया। मैंने आपको जैसे बताया था सब स्टॉक क्लियर हो गया, आज देखते कितना है। 60,000 रुपये मतलब हम लोग का हो गया 40,000 में, आज देखो कितना है। iPhone 13 mini 65,000 रुपये, iPhone 13 75,000 रुपये, प्रो मैक्स 1,70,000, मतलब 1,00,000 का हो गया। हम लोग इंडिया में भी 1,50,000 का है ना प्रो मैक्स। पता नहीं 1,50,000 का तो मैंने देखा था, कि अब वेरिएंट है कुछ। मैकबुक एयर 1,60,000 रुपये, मतलब वही 1,00,000 हुआ, 1,00,000 से भी कम का है, 90,000। 8 GB वाला है ये, 8 GB वाला, 256 GB ये स्पेस है। निकल लेते हैं, वैसे सस्ता है यहाँ पर, इंडिया से तो सस्ता है थोड़ा।